Good morning, students. Again, I am present in front of you. Today is my topic, the language of chemistry. इसकी चर्चा मैंने previous class में कर चुका था. आज का मेरा topic है valency, संयोजकता. What is valency? यानी संयोजकता किसे कहते हैं? ठीक, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे. When atoms or two or more elements combine, a molecule of a compound is formed. यानी जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु संयोजित होते हैं, मिलते हैं, तो एक यौगिक का निर्माण होता है. The capacity of these elements to combine with each other determine the formula of the compound form. तत्वों की क्षमता एक दूसरे के साथ संयुक्त यौगिक के सूत्र का निर्धारण करती है. तो कहने का मतलब, अब हम लोग कहेंगे कि what is valency? तो the capacity of an element to combine with other elements is known as valency. हम लोग सीधे साधे शब्दों में कह सकते हैं, किसी तत्व द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों को उस तत्व का हम लोग क्या कहेंगे? वैलेंसी कहेंगे. कुछ एग्जांपल दिया गया है, सबसे पहले समझना उसको. वन एटम ऑफ क्लोरीन कंबाइंड विथ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, जब हम लोग क्लोरीन कंबाइन करेंगे किससे? हाइड्रोजन से. तब किस चीज का निर्माण होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड का. नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल, जब हम ऑक्सीजन के एटम को हाइड्रोजन से कंबाइन कराएंगे. आपको मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन में दो एटम होते हैं, जब उसके साथ कंबाइन होगा तब किस चीज का निर्माण होगा? वाटर का, यानी H2O. नेक्स्ट है, वन एटम ऑफ N कंबाइंस विद थ्री एटम्स ऑफ H. जब हम लोग N कंबाइन को H यानी हाइड्रोजन से करेंगे तब एक मॉलिक्यूल प्राप्त होगा, यानी कि होगा प्राप्त होगा जो कहलाएगा अमोनिया. अब हम लोगों के पास द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बाय द नंबर ऑफ H यानी हाइड्रोजन और Cl यानी क्लोरीन एटम्स दैट एन एटम ऑफ द एलिमेंट्स कंबाइंड विथ. यानी एक तत्व की क्षमता हाइड्रोजन या क्लोरीन परमाणुओं की संख्या द्वारा दी जाती है जो तत्व के परमाणु के साथ जोड़ती है. जैसा कि बुक में बताया गया है कि यू विल लर्न इन हायर क्लास द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मेनी वेज. हम लोग इस चीज को और ज्यादा से ज्यादा, यानी नेक्स्ट क्लास 8 या 9 में इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाएगी और उसमें आप इसको भलीभांति समझ सकते हैं. अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्टेनिंग द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स. तो हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्टेनिंग द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स, यानी यौगिक का सूत्र प्राप्त करना. द फॉर्मूला ऑफ बाइनरी कंपाउंड, यानी क्या? एक द्विचर यौगिक का हम लोगों को फॉर्मूला सूत्र बनाना है. ए कंपाउंड फॉर्म बाय टू एलिमेंट्स ओनली इज ऑब्टेन ट्रांसपोर्ट देयर वैलेंसी. कहने का मतलब है, अगर एक फॉर्मूला हम लोगों को बनाना है तो हम लोगों का उसका वैलेंसी को क्या करना होगा? स्थानांतरित करना होगा, चेंज करना होगा, ट्रांसपोर्ट करना होगा. यहां पर हम लोग ले लेते हैं, अगर ए की वैलेंसी वाई है और बी की वैलेंसी एक्स
हम लोग यहां पे इसके वैलेंसी को y को b के पास और x को a के पास देंगे। इस तरीके से हम लोग एक यौगिक का सूत्र प्राप्त कर सकते हैं, यानी फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्लियर कर सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने लिया है, अगर a का वैलेंसी यहां पे दिया हुआ है क्या 4 और b का 2, सेम वही फंडा है, वही फॉर्मूला है, इसको भी ट्रांसपोर्टिंग करेंगे a को, a का जो है वैलेंसी b के पास और b का a के पास। तो इस तरीके से हम लोगों के पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया a2 b4, यहां पर क्या हो गया हम लोग इसको ab2 भी कर सकते हैं, ab2। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का वाटर कंपाउंड रेडिकल्स, यानी यौगिक कण क्या है या यौगिक कण किसे कहते हैं। तो सर्टेन ग्रुप्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स रिमेन इंटैक्ट इन मेनी केमिकल रिएक्शंस, इनफैक्ट दे बिहेव द सिंगल एटम्स एंड हैव ए वैलेंसी, दे आर कॉल्ड कंपाउंड रेडिकल्स। विभिन्न तत्वों के परमाणु के कुछ समूह कई रासायनिक प्रतिक्रियाओं में अंतरंग रहते हैं, अंतरंग में जुड़े हुए रहते हैं, वास्तव में वे एकल परमाणु की तरह व्यवहार करते हैं और उसकी कुछ मान्यताएं हैं। तो यही आपका जो है यौगिक कण कहलाता है। अब इसके बारे में कुछ तथ्य है, दे डू नॉट एग्जिट इंडिपेंडेंटली, यानी ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, बट ओनली एज अ पार्ट्स ऑफ कंपाउंड, लेकिन क्या ये यौगिक के एक अंग है। कुछ एग्जांपल आपको बताए जा रहे हैं, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मोनोवेलेंट रेडिकल्स, मोनोवेलेंट यानी एकल संयोजक, याद रखिएगा एकल संयोजक, जैसे है आपका हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड OH नाइट्रेट NO3, कार्बोनेट CO3 एंड सल्फेट SO4 आर एग्जांपल्स ऑफ। देखिए इसमें आपको बताया गया एक मिनट, मोनोवेलेंट रेडिकल जो है एकल संयोजक है, जिसमें कि हाइड्रोक्साइड आता है OH, जबकि नाइट्रेट NO3, कार्बोनेट CO3 एंड सल्फेट SO4 आर एग्जांपल्स ऑफ डायवेलेंट रेडिकल्स, यानी द्विसंयोजक हैं ये। और फॉस्फेट PO4 रेडिकल इज ट्राइवेलेंट, यानी त्रिसंयोजक। ये कुछ उदाहरण थे कंपाउंड रेडिकल्स के, और कुछ एग्जांपल आपके बुक में दिए गए हैं, आप उसको कैरी करें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल इक्वेशन। यू नो दैट एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल, हम लोग पहले भी पढ़ा चुके हैं पिछली कक्षा में कि एलिमेंट को हम लोग सिंबल से प्रेडिकेट करते हैं, जबकि कंपाउंड को फॉर्मूला से। तो एक केमिकल चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक बदलाव को हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं किसके माध्यम से, रासायनिक समीकरण के माध्यम से, इसी को हम लोग क्या कहते हैं केमिकल इक्वेशन। कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, द बर्निंग ऑफ कार्बन इन अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी क्या कार्बन को जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में, कार्बन डाइऑक्साइड को जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में हम लोग बर्निंग करते हैं, आपको एग्जांपल के माध्यम से समझा रहे हैं, सी यानी कार्बन ऑक्सीजन O2, जब इसके साथ रासायनिक समीकरण यानी अभिक्रिया करवाते हैं तो इससे जो प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट
ऑक्साइड कहलाते हैं। जब यही चीज विपरीत हो जाए, जब कार्बन को ऑक्सीजन की जब मात्रा इनसफिशियंट यानी अपर्याप्त मात्रा में जब हम लोग बर्निंग करते हैं तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, यानी प्रोडक्ट जो प्राप्त होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, जिसका फॉर्मूला हम आपको दिखा रहे हैं C+O2, यहां पे आपका हो गया CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा के कारण होता है, यानी ये सफिशियंट O2, ये इनसफिशियंट। यानी ये निर्भर करता है ऑक्सीजन पर, किस पर निर्भर करता है? ऑक्सीजन पर। अब हम लोग अभिकारक के बारे में जानेंगे। The substance that react among themselves are called reactants। कहने का मतलब पदार्थ जो आपस में प्रतिक्रिया करते हैं वो reactants कहलाते हैं, जो आपस में प्रतिक्रिया करते हैं। And those that are formed called products। और जब प्रतिक्रिया करते हैं उसके फलस्वरूप क्या होता है? प्रोडक्ट यानी उत्पाद का निर्माण होता है। रिमेंबर, हम लोगों को याद रखना चाहिए दैट नो एटम्स और लॉस्ट और गेन इन अ केमिकल रिएक्शन। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें एटम्स की ना तो हानि होगी ना ही लाभ होगा। अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें हम लोग इक्वेशन बनाना सीखेंगे। इसमें आपको इक्वेशन लिखा हुआ है H2+Cl2 इक्वल हो गया आपका HCl। अब इसको हम लोगों को इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, यानी दोनों तरफ समान करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। तो हम लोग देखते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने सबको इक्वेशन मिला है H2+Cl2 इधर हो गया HCl। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? H2Cl2, यहाँ देखिए H की वैलेंसी 2, Cl की वैलेंसी 2, ठीक। राइट हैंड साइड क्या है? HCl कंप्लीट। ये H इसकी वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1। हमको क्या करना है? इसमें बैलेंस करना है, यानी इधर जितनी है वैलेंसी राइट हैंड साइड भी उतना ही करना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने 2 से, चूंकि ये HCl कंप्लीट एक साथ है तो 2 से मल्टीप्लाई किसी एक में भी करेंगे तो दोनों में होगा ऑटोमेटिक। इस तरीके से हम लोगों का एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन तैयार हुआ। ये 2 करेंगे इसके साथ मल्टीपल तो ये हो गया यहां 2 H2Cl2। मल्टीपल हम लोग किस पे किए? HCl में। इसलिए हम लोगों का इक्वेशन हो गया H2+Cl2 देन 2HCl। यही हम लोगों का बैलेंस केमिकल इक्वेशन है।